राजधानी मुंबई में विदेशी महिला से रेप केस सामने आया है। पोलैंड फिटनेस मॉडल ने मनीष गांधी के खिलाफ रेप केस दर्ज किया है। विदेशी महिला से रेप की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी मनीष गांधी की तलाश में जुट गई है। आरोपी महिला को डराने के लिए सोशल मीडिया के उसकी तस्वीरें लीक कर दूंगा ऐसी धमकियां भी देता था। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ पूर्वा शिंदे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विदेशी महिला से रेप केस सामने आया है। पोलैंड फिटनेस मॉडल ने मनीष गांधी के खिलाफ रेप केस दर्ज किया है। आपको बताते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग शो जिसे हम शेरू क्लासेस से जानते हैं, उसके प्रमोटर है मनीष गांधी। विदेशी महिला से रेप की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी मनीष गांधी की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक पीड़िता पोलैंड की रहने वाली है। अंधेरी के अम्बोली पुलिस स्टेशन में यह रेप का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि शुरुआती की जांच में सामने आया है कि 2016 से 2022 के बीच में आरोपी ने कई बार पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया है। आरोपी महिला से परिचित था। अधिकारी ने बताया है कि विदेशी महिला का यौन शोषण करने के बाद आरोपी उसके आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली और उसे ब्लैकमेल करता था। आरोपी महिला को डराने के लिए सोशल मीडिया पे उसके तस्वीरें लीक कर दूंगा ऐसे धमकियां भी देता था। पीड़िता महिला ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि उसने मेरे कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लिए और वो फोटोज वो मेरे परिवार को भेज देगा, ऐसी वो धमकियां देता था मुझे। वो कोकेन का सेवन भी करता था, उसके पास कोकेन हमेशा रहता है और उसके फोटोज और वीडियोज मेरे पास है। वो अपने साथ मुझे शराब पिलाता था और उसके जो कनेक्शंस के जरिए उसने मुझे मारने की धमकियां भी दी है। मैं काफी परेशान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स भी आने लगते। मनीष गांधी चीफ ऑपरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन बिजनेस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ABEC के साथ बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग शोज भी प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम शेरू क्लासेस का भी आता है। फिटनेस फेडरेशन बनाने जाने वाली IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के भी प्रमोटर मनीष गांधी है। फिलहाल बड़े ही शर्म की बात है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। एक फिटनेस मॉडल ने मनीष गांधी के खिलाफ रेप केस का मामला दर्ज किया गया है। अम्बोली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज है। मनीष गांधी अब तक फरार है। पुलिस के अधिकारी मनीष गांधी की तलाश में जुटी हुई है। इस कहानी के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र बंधु न्यूज़।